चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको अपठित पद्यांश कैसे हल करें इसके बारे में ये वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपठित गद्यांश कैसे हल करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपठित पद्यांश का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, अपठित पद्यांश में दो पद हैं, एक है अपठित और दूसरा है पद्यांश। अपठित का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अधन पठित हमको मिलता है, जिसका तात्पर्य हुआ ऐसा पद्यांश जिसे हमने पढ़ा ना हो। और पद्यांश की भी अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो पद धन अंश, पद्य का अंश, एक हिस्सा। तो इसका अर्थ हुआ कि हम अपने कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं, गीत पढ़ते हैं, शेर और नज्म भी आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसे कक्षा में हमें पढ़ाया गया है, हमने उसके नोट्स तैयार किए हैं, इसलिए वो सब कुछ हमारा पठित है। पठित को पढ़ कर के हम जब परीक्षा में उसको हल करते हैं तो वह हमारे कौशल की परीक्षा तो पूरी करता है, लेकिन हमारी प्रतिभा की, हमारे हुनर की, हमारे अंदर के ज्ञान की परीक्षा उससे नहीं होती। इसीलिए पठित के साथ साथ अपठित पद्यांश और गद्यांश का भी, उसका एक अलग वीडियो हम बना रहे हैं, दोनों को हल करने वाले प्रश्न भी दिए जाते हैं, ताकि आपके सामने कोई भी कविता साहित्य के क्षेत्र से लाकर रख दी जाए तो आप उसको समझ सकें, उसके अर्थ को निकाल सकें और उसकी व्याख्या भी कर सकें। तो ये इसका पहला जो हिस्सा था कि उसका अर्थ क्या है। और अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि हमको अगर अपठित पद्यांश हल करना है तो हम उसे कैसे हल करेंगे। तो उसके कुछ तीन चार बातों को ध्यान में रखना है और उसे आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे सामने जो पद्यांश आया है उसे हमने उससे पहले कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, हमारे लिए वो अपरिचित है। तो सबसे पहले हम उसको ध्यानपूर्वक दो बार तीन बार उसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम जितने बार पढ़ेंगे उतनी बार हमारे अंदर उसका कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई अर्थ पौंधेगा। दूसरी बात यह है कि जो पद्यांश हमारे सामने आया है उसके शब्दों और भावों को भी हम ग्रहण करें और देखें कि वो क्या कहा जा रहा है उसके बारे में। तीसरा है कि जो काव्य पंक्तियां आ रही हैं उनके अर्थ को हम पकड़ने की कोशिश करें। और चौथी बात है कि जब हम प्रश्नों को हल करें जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं तो उन्हें भी इत्मीनान से पढ़ें, क्योंकि अगर हमने हड़बड़ी में प्रश्नों को पढ़ा तो हो सकता है कि जो पूछा जा रहा है हम उसकी बजाय कोई दूसरी बात समझ करके उत्तर दें और गलत हो जाए। तो चलिए अब उदाहरण के तौर पर हम पद्यांश लेते हैं। एक पहले मैं इसका आपके सामने पाठ करता हूं। मैं तूफानों में चलने का आदि हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदि हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। हैं फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुथल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं मुश्किलें न जब होती हैं, फूलों से मग आसान नहीं होता है। रुकने से पग गतिवान नहीं होता है, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी। मेरे पग तब चलने में भी शर्म आते, मेरे संग चलने लगे हवाएं जिसमें। तुम पथ के कण कण को तूफान करो, मैं तूफानों में चलने का आदि हूं।
ये कविता है, कविता का अंश है पद्यांश है। अब इसे मैंने एक बार पढ़ा है, आपने सुना है, इसे और एक बार अगर आपको लगे कि पढ़ना चाहिए तो जरूर पढ़िए, तब आपको ये जो है इसके और भाव मिलेंगे। अभी मोटा मोटा समझ में आ गया कि इसमें कवि कह रहा है कि देखिए मैं कठिनाइयों में, मुश्किलों में, मुसीबतों में, बाधाओं में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ। कोई मेरे लिए रास्ता आसान बनाना चाहे, कोई जो है मेरी सुविधाएं जुटाना चाहे, उससे मेरा कोई लगाव नहीं है, क्योंकि इससे रास्ते आसान नहीं होते, इससे जिंदगी के लक्ष्य हासिल नहीं होते। ये मोटा मोटा भाव समझ में आ गया है। अब इसे दूसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ और अर्थ नया निकलेगा, तो वो आप पढ़िए ताकि यहां इस पर समय हम बचाएं। और अब हम देखते हैं कि इस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, कवि को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसके चार वैकल्पिक उत्तर हैं और सही उत्तर हमको चुनना है। तो इसमें दिया गया है, पहला मंजिल से, दूसरा मार्ग की बाधाओं से, और तीसरा हवाओं से, चौथा तूफानों से। तो आपको सोचना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। दूसरा है, यदि मार्ग में बाधाएं नहीं आती तो, फिर चार वैकल्पिक उत्तर हैं। पहला है गति संभव नहीं होती, दूसरा निर्माण संभव नहीं होता, तीसरा प्रगति संभव नहीं होती, और चौथा मार्ग आसान नहीं होता। सही उत्तर क्या है आपको खोजना है। और तीसरा है, अवरोध का समानार्थक है, समानार्थी शब्द खोजना है। तो चार उत्तर दिए हैं, पहला रुकना, दूसरा रोकना, तीसरा रुक, और चौथा रुकावट। कौन सा सही है ये भी आपको उत्तर देना है। तो ये पहला पद था, अगर आपने उत्तर इसके जान लिए हो तो अच्छा है, अन्यथा मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए। जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर चौथा सही है, जो लिखा है तूफानों से। और जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर भी चौथा ही है, जिसका अर्थ है मार्ग आसान नहीं होता। और तीसरे का उत्तर भी चौथा ही है, जो समानार्थक शब्द है अवरोध का, वह है रुकावट। तो अगर ये सही है तो आपने इसे हल कर लिया। अब हम एक और पद्यांश को भी देख लेते हैं तो थोड़ा और हमारी जानकारी बेहतर हो जाएगी। तो देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हां मिट्टी की अबोध मूरतें बड़ी, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। ये दूसरी कविता है, और आपको बता दूं ये कविता है रामधारी सेन दिनकर की, और ये बहुत लोकप्रिय कविता है, और इसकी एक पंक्ति तो एक समय एक राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन का मुख्य नारा बन गई थी, और वो यही कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इस कविता के अब हम प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है, और इसके चार उत्तर हैं। पहला है, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है, दूसरा जो रथ चलाती है, तीसरा जिसे बोध है, चौथा जिसे सांप काटते हैं।
इन चारों में सही उत्तर क्या है खोजिए। दूसरा प्रश्न है, सांप के समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय है, क्या आशय है? उसके चार उत्तर, पहला समय कोलाहल कर रहा है, दूसरा समय ने युद्ध नाद बजा दिया है, तीसरा अब समय बदल रहा है, चौथा समय का रथ बढ़ा आ रहा है। इन चार में से सही उत्तर आपको खोजना है। तीसरा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति का भाव है, क्या भाव है? वह भी चार वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर देखना है। पहला, सारी जनता अब सिंहासन पर बैठेगी। दूसरा है, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। तीसरा है, राजा के सिंहासन को खाली करना होगा। चौथा है, जनता राजा का सिंहासन हिला देगी। अब जो सही उत्तर है वो आप खोजिए। चौथा प्रश्न, सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है, कौन सी पंक्ति है? चार पंक्तियां दी गई हैं, आपको खोजना है। पहली है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बोगा उठी। दूसरी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तीसरा है, जनता हां मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। और चौथा है, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। इन चार में से कौन सा उत्तर सही है ये आपको चुनना है। और अब एक और प्रश्न है, पांचवा, सांप किसकी ओर संकेत करते हैं, किसका प्रतीक है? तो उत्तर है चार, पहला शोषकों की ओर, दूसरा सूदखोरों की ओर, तीसरा विषैले सांपों की ओर और चौथा जमींदारों की ओर। सही उत्तर आपको देखना है। आखिरी प्रश्न है छठवां, सुग बुगा उठना का अर्थ है, पहला धीरे धीरे कहना, दूसरा अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना, तीसरा राख का जल उठना, चौथा अफवाह फैलाना। अब इसमें से सही उत्तर कौन सा है आपने चुन लिया होगा। मैं आपके उत्तरों को यहां से उत्तर दे करके और बताता हूं कि कौन कौन से आपने सही चुने हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न था, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है, तो इसका पहला उत्तर सही है, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है, यानी मेहनत कश किसान और मजदूर। दूसरा प्रश्न था, समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय क्या है? इसका उत्तर चौथा है, कि समय का रथ बढ़ा आ रहा है, उसको समझिए। तीसरा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका भाव क्या है? इसका उत्तर दूसरा है, कि राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। चौथा प्रश्न था, सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर है जाड़े, चौथा उत्तर, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। और पांचवा प्रश्न था, सांप किसकी ओर संकेत करता है, तो इसका सही उत्तर पहला है, शोषकों की ओर, जो निर्धनों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण करते हैं, उनके द्वारा किए गए श्रम का फायदा उठाते हैं। और छठवां, सुग बुगा उठने का अर्थ बताना है, तो यह है दूसरा, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। तो यह था अपडित पद्यांश पर आधारित वीडियो, कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपडित गद्यांश का भी
एक वीडियो बनाया है, उसे भी देखिए और गद्यांश के बारे में भी ज्ञान हासिल कीजिए। धन्यवाद।